संतोषी गुलाबकली मिश्रा जी। संतोषी गुलाबकली मिश्रा जी हार्दिक शुभकामनाएं संतोषी गुलाबकली मिश्रा जी के लिए, जोर ताली से स्वागत रफी रत्न इस अवार्ड के लिए। सारी साहब के ऊपर पहले कहूँगी, जब उन्होंने मुझसे मुलाकात की, उन्होंने कहा कि मैं बहुत दिन से आपको फॉलो कर रहा था और मुझे आपसे मुलाकात करनी थी, तो उन्होंने कहा कि हम रफ़ी चौक पर ये सेलिब्रेट करते हैं, तो अगर वैसे मैं आपके घर पर आकर भी कर सकता हूँ। और उन्होंने बताया, अपना जज्बा बताया, जो आप 21 साल से, अब ये 21वां साल है, 21वें साल में आप जो कर रहे हैं, उन्होंने बताया मैं कैसे अकेले ये सब कुछ कर रहा हूँ। साफ सफाई आते हैं, अभी आज अभी बात हुई तो उन्होंने कहा मैं 4 बजे आया और 4 बजे सुबह, 4 बजे सुबह उठ के यहाँ पे 7 बजे से साफ सफाई कर रहा हूँ। तो मुझे ये लगा कि ये अकेले में पुरस्कार लेने का मज़ा ही नहीं है, मतलब अंसारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत कम लोग होते हैं, सॉरी आई हैव जस्ट बिकम इमोशनल। आई रियली अप्रिशिएट कि जो, मतलब आप सोचिए ना कि ये इनका रफ़ी क्लैन से कोई संबंध नहीं है, रफ़ी साहब के परिवार से कोई संबंध नहीं है, और एक मुरीद हैं, और एक मुरीद ऐसे 150-150 लोगों को इकट्ठा करता है जो अपने दम से और अपने ग्रुप के दम से ये शुरू कर रहा है। तो ये मेरा ज़हे नसीब है कि आपने मुझे इसके काबिल समझा, और थैंक यू सो मच सर फॉर दिस। सो वन ऑफ द थिंग अबाउट विच इज अबाउट द सेल्फ रिस्पेक्ट, सी जर्नलिज्म आई केम एज, मतलब मैं जर्नलिज्म में इस वजह से नहीं आई कि आने के बाद जो एक बेबाकी होती है, कोई चीज़ को रिपोर्ट करना होता है और किसी चीज़ के ऊपर चलना होता है, तो इस वजह से नहीं था। मैं दरअसल इस तरह से इंसान, जैसे मेरी डॉक्यूमेंट्री पहली फिल्म मैं मुंबई 4 लाख आ गई थी, इट्स अबाउट सेक्स वर्कर, लाइफ ऑफ अ सेक्स वर्कर ड्यूरिंग पेंडेमिक, जो किसी ने कभी सोचा नहीं। सेकेंड जो मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है वो लाल परी जो है, कि एक बस जो है कैसे महाराष्ट्र की रूरल इकोनॉमी वो करती है, तो आई बिलीव मैं ऐसे ही कहीं पे मैं और मकरन बात कर रहे थे, तो मैंने सुना कि रफ़ी साहब बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट के आदमी थे। वो एक बार कोई गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो शायद इसमें के किस्से में कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, पर नौशाद साहब के साथ वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। नौशाद साहब ने उनको कहा कि अब ये गाने की रिकॉर्डिंग अभी हो चुकी है, अगली रिकॉर्डिंग हम अगले दिन कहेंगे। कुछ देर के बाद नौशाद साहब आए तो उन्होंने कहा अरे आप गए नहीं, उन्होंने कहा हाँ मैं घर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, तो नौशाद साहब ने कहा कि ठीक है हम आज ही रिकॉर्डिंग कम्प्लीट करते हैं। तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, बात खुददारी की है जो मैं अंसारी साहब में देखती हूँ, और बात खुददारी की है जो मेरे अंदर का वो जज्बा है, तो इसलिए ये बड़ा मतलब हम रफ़ी साहब को तो मतलब हमने सिर्फ सुना है, आपके काम की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है कि हम उनको देख भी रहे हैं। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा, राशि से आए नहीं सोनू और राशि दोनों हैं। हार्दिक शुभकामनाएं,